केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। चूरू जिले में बाहर से आए कामगारों और श्रमिकों को इस योजना के जरिए खाने का अनाज मिलने से संबल मिला है। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अंत्योदय परिवारों के लिए अक्टूबर और नवम्बर महीने में 7,178 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का आवंटन हुआ है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि चयनित परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जो बाहर से लोग हमारे आए थे, जो लोग वंचित रह गए, जिनका बीपीएल के अंदर नाम शामिल नहीं था, जिनको किसी भी तरीके से राशन नहीं मिल रहा था, उन लोगों के लिए 7500 टन मैट्रिक टन माल की व्यवस्था करवाई चूरू लोकसभा क्षेत्र जिले के लिए। इसमें 5 किलो की अपना अनाज, गेहूं और दाल साथ मिलेगी। ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करी और हम इसमें पूरा मॉनिटरिंग ढंग से कर रहे हैं कि जो भी भाई लोग हमारे क्षेत्र से बाहर से काम कर रहे थे देश भर के अंदर और कोरोना टाइम्स में चूरू जिले के अंदर आ गए और उनको किसी रूप में खाने की कमी ना रहे, ऐसी सूची बनाकर भारत सरकार तक पहुँचाने का काम भी किया गया है और उसी के तहत ये अनाज पहुँचा है। खाद्य सुरक्षा में प्राप्त परिवारों को 7,035 मैट्रिक टन गेहूँ का रेगुलर के लिए आवंटन किया गया है और 6,833 मैट्रिक टन गेहूँ का अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण योजना के लिए वितरण किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के से सरकार द्वारा 5 किलो राशन दिया जा रहा है। कोरोना की वजह से रोजगार छूट चुका था, इससे इस सरकार द्वारा दिए जा रहे इस राशन से बहुत सहायता प्राप्त हो रही है।